हैं, हम भी औरतें हैं, आप लोग भी औरतें हैं, तो हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, सिचुएशन समझ सकते हैं और आप लोग अच्छे से और समझा सकते हैं। कपड़ा यूज करते हो या पैड यूज करते हो, क्या यूज करते हो? हम लोग सलवार सूट और नेकी यूज करते हैं, आपको हर महीने जो आपके सफाई से रहना है, ठीक है। जब आप पहनती हैं तो हर आपको हर बार चेक करना पड़ता है, हर 6 घंटे में उसको चेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसी में आप पूरा दिन गुजार रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको पैर बचाना है अगली बार के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आजकल गवर्नमेंट भी बहुत वो कर रही है कि आपको या तो कोई गर्म कपड़ा होता है, हाँ जी, तो छोटे छोटे आप लोग सुनोगे तो आप लोग बुराई है, लोग तो बैठे हैं सब अच्छा है, बुराई ना है इसमें। आप लोग अपने बच्चों को सपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो दूसरी चीज ये कि आप गर्म कपड़ा लगा सकते हो जब आपको पेट दर्द वगैरह होता है, या फिर ये होता है कि चाय पीना है बहुत अच्छा, चाय पी सकते हो एंड अजवाइन का पानी या फिर जीरा का पानी पी सकते हो आप उबाल के, आपको आराम मिलेगा, पेट दर्द में बहुत आराम मिलेगा। एंड मैं समझ सकती हूँ आप महिला को बहुत सारा काम होता है, उस टाइम पे भी आप नौकरी पे जाते हो, आप लोग आराम नहीं कर सकते, पर जितना हो सके उस टाइम पे थोड़ा सा आराम लेना अच्छी बात होती है। अपने पतियों को या भाई बहनों को थोड़ा समझाए कि इस टाइम पे यू नो जरूरत होती है थोड़ा आराम करने की, ठीक है। कैसे पन्नी में पढ़ के किसी बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए, किसी पेपर में या तो लपेटिए या तो किसी पन्नी में लपेटिए फिर फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही फेंक देते हैं तो बहुत सारी इन्फेक्शन बीमारियां बहुत सब फैल सकता है, इसीलिए कभी भी इसको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। पैड नहीं है और अगर आपको किसी की वजह से पैड नहीं है आपको, किसी के पास हाँ सब लोग कपड़े यूज करते हैं, कैसे सूती का कपड़ा यूज करना चाहिए, कैसे यूज करते हैं सही लगता है, कैसे धोते कैसे धोते हैं, कैसे साबुन से गर्म पानी से सही से चलना रहता है, सूती कपड़ा दोबारा ना मिले उसको साबुन से सफाई करके साफ करके सुखा के बताओ आंटी, अभी बताओ রান্না বুঝো তো, কেউ কাপড় কাপড় ব্যবহার করে না, এটা সবাই স্যানিটারি ব্যবহার করে, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এখন ওষুধ চলে না, আগে তো ওষুধ ছিল এখন আর করে না, আচ্ছা এখন স্যানিটারি করে না, আচ্ছা সবাই জিজ্ঞেস করছে কি তোমাদের যখন প্যাড হয় না তোমরা কাপড় ইউজ করো না, মানে কোন সুতির কাপড় ইউজ করো, কাপড়ে কো কিতনি বার ফোল্ড করতে হো, আন্টি শুন লিজিয়ে, कपड़ा जब लगाते हो तो कम से कम 4 से 7 बार उसे फोल्ड करके लगाना चाहिए, तभी वो खून अच्छे से, और एक ही लिए लगाओ इन्फेक्शन में रखता है, और साफ सफाई ज्यादा साबुन से कभी नहीं धोना है, पानी के अंदर 15 मिनट भिगा के रखो फिर सुखा दो, धूप में सुखा दो, क्योंकि धूप में क्या होता है सारे जो बैक्टीरिया होते हैं सब मर जाते हैं। आप लोग पूरे दिन लगा के रखते हो पैड? नहीं ना, पूरे दिन कभी नहीं लगा के रखना, 5 से 6 घंटे पैड आप लोग को लगा के रखना है, जिससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, अगर आपने 5 से 6 घंटे से ज्यादा लगा दिया तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, टॉयलेट करते हो आप लोग वहाँ पर बीमारी बीमारी
दूसरी बात ये, अगर आप मतलब यही कारण से किया तो आपको कैंसर भी होता है, जिससे बहुत सारी डिजीज बढ़ती है। कैंसर के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, कैंसर क्या होता है। अरे भैया सुनते हैं, ठीक है। एक और बात, सफाई सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। मतलब जहाँ पर आप पैड लगा रहे हो वहाँ को गर्म पानी से धोना होता है। नॉर्मल जो पानी होता है ना उससे धोना होता है, उससे आपका साफ रहता है जहाँ पर पैड लगा रहे हो। समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए होंगे। बस यही सब है।